स्टार भी एग्जाम ट्रिक्स अड्डा में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज 4 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर इसमें एनालिसिस में दिया गया है। इसमें यह वीडियो बहुत ही बनाने में कठिनाई हुई है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन अभी दबाएं और उसके बगल में घंटी का निशान आएगा उसको दबा लें ताकि हमारे रेलवे की पल पल अपडेट के लिए आप लोगों को नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में आज देखिए कौन कौन सा पेपर, अलग अलग पेपरों से बच्चों से पता चला है, जो जो क्वेश्चन मिला है मुझे मैं आप लोगों के सामने ला रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। इससे पहले आप लोग सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती। आप चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे देखते हैं। तो चलिए वीडियो के स्टार्ट में पहुंचते हैं, ठीक है। तो फटाफट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे देखते रहिए। आपको वीडियो के स्टार्ट में कुछ क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, उसको मैं एनालिसिस करूंगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं रेलवे की पल पल अपडेट के साथ। तो चलिए दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं इसमें रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम 2020 4 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट। तो चलिए दोस्तों, 4 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस करेंगे। इसमें 1857 की रिवोल्ट कब दबा दिया, तो यह ऑप्शन नहीं मिला मुझे, लेकिन इसका आप लोगों को पता है 1857 का युद्ध लगभग आप लोगों को 1858 में एक साल बाद दबा दिया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर यहीं तक होगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन में देखिए क्या इन्होंने कहा है, तो इसका 1858 हो जाएगा। अगर आप लोगों को कमेंट, अगर आंसर इसका पता होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आगे देखते हैं, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है। तो आप लोगों को, सभी लोगों को मालूम है सरदार सरोवर बांध कहाँ पे है, नर्मदा नदी पर है। कहाँ पे है, नर्मदा नदी पर है। और RDI एक्ट कब लागू हुआ था, RDI एक्ट कब लागू हुआ था, तो आप लोगों को मालूम है 2005 में लागू हुआ था। RDI एक्ट कब लागू हुआ था, 2005 में लागू हुआ था। और एक देखिए, पिछला क्वेश्चन आप लोगों का 28 या 29 नवंबर को एग्ज़ाम में पूछा गया था, सुकन्या समृद्धि योजना किसने लॉन्च किया है, तो उसमें कब लागू हुआ था उसमें दिया था, लेकिन किसने लॉन्च किया है, यह किसने लॉन्च किया है, नरेंद्र मोदी ने। किसने लॉन्च किया है, नरेंद्र मोदी ने। तो जो भी योजनाएँ उससे हम रिलेटेड पढ़ते चलेंगे। कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन कब हुआ, तो अभी देखिए एक पिछला क्वेश्चन आया था कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था इसके बारे में, लेकिन यहाँ पर बेलगांव का अधिवेशन कब हुआ, तो 1924 में हुआ था। कब हुआ था, 1924 में। तो अगर आप लोगों को क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल घंटी का निशान जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं, ठीक है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई, तो नीति आयोग की स्थापना हुई थी 2015 में। नीति आयोग की स्थापना कब हुई, नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी। तो चलिए, गांधी सागर डैम कहाँ पर है, गांधी सागर डैम आप लोगों को मालूम है कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। गांधी सागर डैम कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। और अगला क्वेश्चन देखेंगे, URL का फुल फॉर्म क्या होता है, URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। या कंप्यूटर से 2-3 क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ये बहुत ही आसान, तो कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज हम देख करके ही जाएंगे। और अगला क्वेश्चन देखिए, यूनेस्को के अंडर टोटल कितने हैं, मतलब यूनेस्को में कितने अंडर टोटल नंबर्स होते हैं, तो आप लोगों को मालूम है, अगर मालूम होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन आया था पोखरण टेस्ट के ऑपरेशन का नाम क्या था, तो पोखरण के टेस्ट के ऑपरेशन का नाम क्या था, तो स्माइलिंग बुद्धा था। क्या था, स्माइलिंग बुद्धा, ये इसका आंसर है, ठीक है। तो फटाफट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे देखिए, INC का बेलगांव अधिवेशन कब हुआ, 1924। अभी देखिए पिछला क्वेश्चन आया था, इसको रिपीट कर दिया। सांची का स्तूप किसने बनवाया था, ये क्वेश्चन आप बता सकते हैं, सांची का स्तूप किसने बनवाया था, अशोका ने बनवाया था। किसने बनवाया था, अशोका ने। तो इस तरह से ऑप्शन दिया रहा था। अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था, तो अकबर का राज्याभिषेक 1556 ईस्वी में हुआ था।
और देखिए SI और CI से सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन आया था 5000 की धनराशि का 10% दर से 3 वर्ष का SI CI में अंतर क्या होगा, तो आप इसका निकाल सकते हैं SI और CI में अंतर क्या हो सकता है। 2-3 प्रश्न इससे आए थे, बहुत अच्छा क्वेश्चन बना था। सबसे पहले हाई कोर्ट कहाँ बना, तो सबसे पहले हाई कोर्ट कहाँ बना था, कोलकाता में। हमारा सबसे पहला हाई कोर्ट कहाँ था, कोलकाता में ही था, फर्स्ट हाई कोर्ट, ठीक है। और इनसेट 1B मिसाइल DRDO ने कब लॉन्च किया था, तो इनसेट DRDO मिसाइल कब लॉन्च हुआ था, इसको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। इससे DRDO से लगभग साइंस और टेक्नोलॉजी से लगभग 1-3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है, इसमें आप इसको देख करके जाएंगे। और अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में मृत्यु, वैसे DRDO का 1987 होगा, देखिए आप देख लीजिएगा, जो भी होगा तो आप कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा। हाल ही में मृत्यु हो गई वो किस चीज़ से संबंधित है, तो जिसकी मृत्यु हो गई थी, तो किसी समय तो गायन वैज्ञानिक गणित, इसमें मैंने तो 4 दिया था, किसका मृत्यु हुआ था, तो आप लोग बता सकते हैं किसका मृत्यु हुआ था। तो चलिए दोस्तों आगे देखिए, क्रिकेट हॉकी या रीजनिंग का वेन डायग्राम का क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें आप बता सकते हैं। देखिए दोस्तों जो भी क्वेश्चन मिला है आप लोगों को बीच में रखा जा रहा है, तो इतनी मुश्किल से क्वेश्चन मिलता है दोस्तों, आप लोग इसको फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, और लास्ट तक बने रहिए रेलवे की पल पल अपडेट के लिए। मनुष्य के बॉडी का pH मान आप लोग जानते हैं कितना होता है, 7.35 से 7.45। अगर नहीं होगा तो आप इसका मेरा पिछला वीडियो में जा करके देख सकते हो। आप सबसे पहले ओलंपिक गेम्स एशिया में कब हुआ था, तो 1900 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1900 ईस्वी में। और हाल ही में 1900 ईस्वी में हुआ था, इसको क्वेश्चन को याद रखेंगे। हाल ही इनमें से किसे अर्जुन अवार्ड मिला, तो देखिए 4 प्रकार का ऑप्शन दिया था उसमें, आप अगर आप लोगों को मालूम होगा हाल ही में किसमें दिया है, तो आप उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और तो अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, हाल ही में इनमें से किसे अर्जुन अवार्ड मिला, इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बाइल जूस, यानी बाइल जूस पित्त रस कहाँ से निकलता है, तो आप लोगों को मालूम है यकृत लीवर से निकलता है। और यह अगर यह पूछ लेता है किस पार्ट से, लीवर के किस भाग से निकलता है, तो आप इसका आंसर देख करके जाएंगे। बायो का 1-2 प्रश्न यहाँ पर अनिवार्य है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे, फर्स्ट यंगेस्ट महिला कौन है जिनको नोबेल पुरस्कार मिला, तो आप जानते हैं फर्स्ट यंगेस्ट महिला कौन से, मलाला यूसुफजई थी। साइमन कमीशन भारत कब आया, 1928 में, सबको मालूम है साइमन कमीशन कब भारत में आया था, 1928 ईस्वी में आया था। संविधान 1927 में लागू हुआ था, 1928 में आया था। संविधान में संशोधन सबसे पहले कब हुआ, 1951 में हुआ था। ये देखिए जो बेसिक चीज़ें, जो बेसिक नॉलेज है वो आपके माध्यम से पूछी जा रही हैं, तो इसको आप देख कर जाइएगा। फूलगोभी एक लिंगी है कि द्विलिंगी है, तो आप बता सकते हैं ये एक लिंगी है कि द्विलिंगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है, तो मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है, जीवाणु, विषाणु, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ए, आप इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है दोस्तों, तो फटाफट मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, और रेलवे की पल पल अपडेट से जुड़े रहने के लिए आप चैनल के बेल घंटी के निशान को जरूर दबाएं। आइए देखते हैं दोस्तों मैथ से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, कितने प्राप्त हुए हैं, तो आप इसमें लगभग अटेम्प्ट अच्छा करके आ सकते हैं। अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों को अनुमान लग गया होगा कि किस टाइप से हमारे एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप इसको जरूर से जरूर देख कर जाइएगा। देखिए दोस्तों यार, आप लोगों का एक छोटा सा कर्तव्य बनता है कि आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैथ में देखिए LCM SCF से लगभग आप लोगों को 4 क्वेश्चन प्राप्त मिल रहे हैं, हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। बॉडी मास से मैंने बताया था 2-3 प्रश्न पूछ रहा है। इसी प्रकार से ट्रिग्नोमेट्री से 2-3 क्वेश्चन आज के शिफ्ट में आए हैं। मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन, एरिया सर्कल से पूछा, पैरामीटर से पूछा था, ठीक है। टाइम एंड वर्क से 3 क्वेश्चन, और टाइम स्पीड डिस्टेंस से आप लोगों को 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा यहाँ पे। बोट एंड स्ट्रीम से 1 क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से 2-3 प्रश्न हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अलजेब्रा से 1 क्वेश्चन, लाभ हानि से 2 क्वेश्चन, SI CI से 3 क्वेश्चन, मीन मीडियन से 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप इसको ज़रूर देख कर जाइएगा दोस्तों। और इतना अगर आप टॉपिक तैयार कर लेते हैं तो आपका प्लस मैथ प्लस हो जाएगा।
रीजनिंग कथन निष्कर्ष चार क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं, सीरीज से चार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन से दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग से तीन क्वेश्चन और सेटिस्फैक्शन से आप लोगों का दो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक या सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और हमारे चैनल के अंत में जुड़े रहिए। अगर आप जुड़े हैं उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। आप इसको हमारे चैनल को से जुड़े रहें उसके लिए धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों। शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे देखते हैं। तो चलिए वीडियो के स्टार्ट में पहुँचते हैं, ठीक है। तो फटाफट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे देखते रहिए। आपको वीडियो के स्टार्ट में कुछ क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, उसको मैं एनालिसिस करूंगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं रेलवे की पल पल अपडेट के साथ। तो चलिए दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं इसमें रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2020 4 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट। तो चलिए दोस्तों 4 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस करेंगे। इसमें 1857 की रिवोल्ट कब दबा दिया, तो यह ऑप्शन नहीं मिला मुझे, लेकिन इसका आप लोगों को पता है 1857 का युद्ध लगभग आप लोगों को 1858 में एक साल बाद दबा दिया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर यहीं तक होगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन में देखिए क्या इन्होंने कहा है, तो इसका 1858 हो जाएगा। अगर आप लोगों को कमेंट अगर आंसर इसका पता होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आगे देखते हैं सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है। तो आप लोगों को सभी लोगों को मालूम है सरदार सरोवर बांध कहाँ पर है, नर्मदा नदी पर है। कहाँ पर है, नर्मदा नदी पर है। और आरटीआई एक्ट कब लागू हुआ था, आरटीआई एक्ट कब लागू हुआ था, तो आप लोगों को मालूम है 2005 में लागू हुआ था। आरटीआई एक्ट कब लागू हुआ था, 2005 में लागू हुआ था। और एक देखिए पिछला क्वेश्चन आप लोगों का 28 या 29 नवंबर को एग्जाम में पूछा गया था, सुकन्या समृद्धि योजना किसने लॉन्च किया है, तो उसमें कब लागू हुआ था उसमें दिया था, लेकिन किसने लॉन्च किया है, तो यह किसने लॉन्च किया है, नरेंद्र मोदी ने। किसने लॉन्च किया है, नरेंद्र मोदी में। तो जो भी योजनाएं उससे हम रिलेटेड पढ़ते चलेंगे। कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन कब हुआ, तो अभी देखिए एक पिछला क्वेश्चन आया था कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, तो इसके बारे में, लेकिन यहाँ पर बेलगांव का अधिवेशन कब हुआ, तो 1924 में हुआ था। कब हुआ था, 1924 में। तो अगर आप लोगों को क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल घंटी का निशान जरूर दबाएँ। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, ठीक है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई, तो नीति आयोग की स्थापना हुई थी 2015 में। नीति आयोग की स्थापना कब हुई, नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी। तो चलिए गांधी सागर डैम कहाँ पर है, गांधी सागर डैम आप लोगों का मालूम है कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। गांधी सागर डैम कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। और अगला क्वेश्चन देखेंगे यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है। यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, या कंप्यूटर से दो तीन क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ये बहुत ही आसान। तो कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज हम देख करके ही जाएंगे। और अगला क्वेश्चन देखिए यूनेस्को के अंडर टोटल कितने हैं, मतलब यूनेस्को में कितने अंडर टोटल नंबर्स होते हैं, तो आप लोगों को मालूम है, अगर मालूम होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन आया था पोखरण टेस्ट के ऑपरेशन का नाम क्या था, तो पोखरण के टेस्ट के ऑपरेशन का नाम क्या था, तो स्माइलिंग बुद्धा था। क्या था, स्माइलिंग बुद्धा, ये इसका आंसर है, ठीक है। तो फटाफट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे देखिए। आईएनसी का बेलगांव अधिवेशन कब हुआ, 1924। अभी देखिए पिछला क्वेश्चन आया था इसको रिपीट कर दिया। सांची का स्तूप किसने बनवाया था, ये क्वेश्चन आप बता सकते हैं। सांची का स्तूप किसने बनवाया था, अशोका ने बनवाया था। किसने बनवाया था, अशोका ने। तो इस तरह से ऑप्शन दिया रहा था। अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था, तो अकबर का राज्याभिषेक 1556 ईस्वी में हुआ था। और देखिए SI और CI से सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन आया था, 5000 की धनराशि का 10% दर से 3 वर्ष का SI CI में अंतर क्या होगा, तो आप इसका निकाल सकते हैं SI और CI में अंतर क्या हो सकता है। 2-3 प्रश्न इससे आए थे, बहुत अच्छा क्वेश्चन बना था। सबसे पहले हाई कोर्ट कहाँ बना, तो सबसे पहले हाई कोर्ट कहाँ बना था, कोलकाता में। हमारा सबसे पहला हाई कोर्ट कहाँ था, कोलकाता में ही था, फर्स्ट हाई कोर्ट, ठीक है। और इनसेट 1B
मिसाइल DRDO ने कब लॉन्च किया था, तो इनसैट DRDO मिसाइल कब लॉन्च हुआ था, इसको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। इससे DRDO से लगभग साइंस और टेक्नोलॉजी से लगभग 1 से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है, तो इसमें आप इसको देख करके जाएंगे। और अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में मृत्यु, वैसे DRDO का 1987 होगा, देखिए आप देख लीजिएगा, जो भी होगा तो आप कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हाल ही में मृत्यु हो गई वो किस चीज़ से संबंधित है, तो जिसकी मृत्यु हो गई थी तो किससे संबंधित, गायन वैज्ञानिक गणित, इसमें मैंने तो 4 दिया था, किसका मृत्यु हुआ था तो आप लोग बता सकते हैं किसका मृत्यु हुआ था। तो चलिए दोस्तों आगे देखिए, क्रिकेट हॉकी या रीजनिंग का वेन डायग्राम का क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें आप बता सकते हैं। देखिए दोस्तों जो भी क्वेश्चन मिला है आप लोगों को बीच में रखा जा रहा है, तो इतनी मुश्किल से क्वेश्चन मिलता है दोस्तों, आप लोग इसको फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, और लास्ट तक बने रहिए रेलवे की पल पल अपडेट के लिए। मनुष्य के बॉडी का pH मान आप लोग जानते हैं कितना होता है, 7.35 से 7.45, अगर नहीं होगा तो आप इसका मेरा पिछला वीडियो में जा करके देख सकते हो। वहाँ पे सबसे पहले ओलंपिक गेम्स एशिया में कब हुआ था, तो 1900 ईस्वी में हुआ था, कब हुआ था 1900 ईस्वी में। और हाल ही में 1900 ईस्वी में हुआ था, इसको क्वेश्चन को याद रखेंगे। हाल ही इनमें से किसे अर्जुन अवार्ड मिला, तो देखिए 4 प्रकार का ऑप्शन दिया था, उसमें आप अगर आप लोगों को मालूम होगा हाल ही में किस में दिया है तो आप उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और तो अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, हाल ही में इनमें से किसे अर्जुन अवार्ड मिला, इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बाइलजूस यानी बाइलजूस पित्त रस कहाँ से निकलता है, तो आप लोगों को मालूम है यकृत लीवर से निकलता है। और यह अगर यह पूछ लेता है किस पार्ट से, लीवर के किस भाग से निकलता है, तो आप इसका आंसर देख करके जाएंगे, बायो का 1-2 प्रश्न यहाँ पे अनिवार्य है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे, फर्स्ट यंगेस्ट महिला कौन है जिनको नोबेल पुरस्कार मिला, तो आप जानते ही हैं फर्स्ट यंगेस्ट महिला कौन सी, मलाला यूसुफजई थी। साइमन कमीशन भारत कब आया, 1928 में, सबको मालूम है साइमन कमीशन कब भारत में आया था, 1928 ईस्वी में आया था। संविधान 1927 में लागू हुआ था, 1928 में आया था। संविधान में संशोधन सबसे पहले कब हुआ, 1951 में हुआ था। ये देखिए जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बेसिक नॉलेज है वह आपके माध्यम से पूछी जा रही हैं, तो इसको आप देख कर जाइएगा। फूलगोभी एक लिंगी है कि द्विलिंगी है, तो आप बता सकते हैं ये एक लिंगी है कि द्विलिंगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है, तो मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है, जीवाणु, विषाणु, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ए, आप इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है दोस्तों, तो फटाफट मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिए, और रेलवे की पल पल अपडेट से जुड़े रहने के लिए आप चैनल के बेल घंटी के निशान को जरूर दबाएं। आइए देखते हैं दोस्तों मैथ से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, कितने प्राप्त हुए हैं, तो आप इसमें लगभग अटेम्प्ट अच्छा करके आ सकते हैं। अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों को अनुमान लग गया होगा कि किस टाइप से हमारे एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप इसको जरूर से ज़रूर देख कर जाइएगा। देखिए दोस्तों यार, आप लोगों का एक छोटा सा कर्तव्य बनता है कि आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैथ में देखिए LCM SCF से लगभग आप लोगों को 4 क्वेश्चन प्राप्त मिल रहे हैं, हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। बॉडी मास से मैंने बताया था 2 से 3 प्रश्न पूछ रहा है। इसी प्रकार से ट्रिग्नोमेट्री से 2-3 क्वेश्चन आज के शिफ्ट में आए हैं। मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन, एरिया सर्कल से पूछा, पैरामीटर से पूछा था, ठीक है। टाइम एंड वर्क से 3 क्वेश्चन, और टाइम स्पीड डिस्टेंस से आप लोगों को 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा यहाँ पे। बोट एंड स्ट्रीम से 1 क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से 2-3 प्रश्न हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अलजेब्रा से 1 क्वेश्चन, लाभ हानि से 2 क्वेश्चन, SI CI से 3 क्वेश्चन, मीन मीडियन से 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप इसको ज़रूर देख कर जाइएगा दोस्तों। और इतना अगर आप तो टॉपिक तैयार कर लेते हैं तो आपका प्लस मैथ प्लस हो जाएगा। रीजनिंग कथन निष्कर्ष 4 क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं। सीरीज से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग से 3 क्वेश्चन, और सेटिस्फैक्शन से आप लोगों का 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और हमारे चैनल के अंत में जुड़े रहिए। अगर आप जुड़े हैं तो उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। आप इसको हमारे चैनल को से जुड़े रहें उसके लिए धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों। सब्सक्राइब निशान आएगा उसको दबा लें, ताकि हमारे रेलवे की पल पल अपडेट के लिए आप लोगों को नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों
फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में आज देखिए कौन कौन सा पेपर, अलग अलग पेपरों से बच्चों से पता चला है, जो जो क्वेश्चन मिला है मुझे मैं आप लोगों के सामने ला रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। इससे पहले आप लोग सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की। आप चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे देखते हैं। तो चलिए वीडियो के स्टार्ट में पहुँचते हैं, ठीक है। तो फटाफट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे देखते रहिए। आपको वीडियो के स्टार्ट में कुछ क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, उसको मैं एनालिसिस करूंगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं रेलवे की पल पल अपडेट के साथ। तो चलिए दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं इसमें रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम 2020 4 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट। तो चलिए दोस्तों 4 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस करेंगे। इसमें 1857 की रिवॉल्ट कब दबा दिया, तो यह ऑप्शन नहीं मिला मुझे, लेकिन इसका आप लोगों को पता है 1857 का युद्ध लगभग आप लोगों को 1858 में एक साल बाद दबा दिया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर यहीं तक होगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन में देखिए क्या इन्होंने कहा है, तो इसका 1858 हो जाएगा। अगर आप लोगों को कमेंट, अगर आंसर इसका पता होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आगे देखते हैं सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है। तो आप लोगों को, सभी लोगों को मालूम है सरदार सरोवर बांध कहाँ पर है, नर्मदा नदी पर है। कहाँ पर है, नर्मदा नदी पर है। और आरटीआई एक्ट कब लागू हुआ था, आरटीआई एक्ट कब लागू हुआ था, तो आप लोगों को मालूम है 2005 में लागू हुआ था। आरटीआई एक्ट कब लागू हुआ था, 2005 में लागू हुआ था। और एक देखिए पिछला क्वेश्चन आप लोगों का 28 या 29 नवंबर को एग्ज़ाम में पूछा गया था, सुकन्या समृद्धि योजना किसने लॉन्च किया है, तो उसमें कब लागू हुआ था उसमें दिया था, लेकिन किसने लॉन्च किया है, तो यह किसने लॉन्च किया है, नरेंद्र मोदी ने। किसने लॉन्च किया है, नरेंद्र मोदी में। तो जो भी योजनाएं उससे हम रिलेटेड पढ़ते चलेंगे। कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन कब हुआ, तो अभी देखिए एक पिछला क्वेश्चन आया था कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, तो इसके बारे में, लेकिन यहाँ पे बेलगांव का अधिवेशन कब हुआ, तो 1924 में हुआ था। कब हुआ था, 1924 में। तो अगर आप लोगों को क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल घंटी का निशान जरूर दबाएँ। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, ठीक है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई, तो नीति आयोग की स्थापना हुई थी 2015 में। नीति आयोग की स्थापना कब हुई, नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी। तो चलिए गांधी सागर डैम कहाँ पर है, गांधी सागर डैम आप लोगों को मालूम है कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। गांधी सागर डैम कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। और अगला क्वेश्चन देखेंगे URL का फुल फॉर्म क्या होता है। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर। या कंप्यूटर से दो तीन क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ये बहुत ही आसान, तो कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज हम देख करके ही जाएंगे। और अगला क्वेश्चन देखिए यूनेस्को के अंडर टोटल कितने हैं, मतलब यूनेस्को में कितने अंडर टोटल नंबर्स होते हैं, तो आप लोगों को मालूम है, अगर मालूम होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन आया था पोखरण टेस्ट के ऑपरेशन का नाम क्या था, तो पोखरण के टेस्ट के ऑपरेशन का नाम क्या था, तो स्माइलिंग बुद्धा था। क्या था, स्माइलिंग बुद्धा, ये इसका आंसर है, ठीक है। तो फटाफट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे देखिए INC का बेलगांव अधिवेशन कब हुआ, 1924। अभी देखिए पिछला क्वेश्चन आया था इसको रिपीट कर दिया। सांची का स्तूप किसने बनवाया था, ये क्वेश्चन आप बता सकते हैं, सांची का स्तूप किसने बनवाया था, अशोका ने बनवाया था। किसने बनवाया था, अशोका ने। तो इस तरह से ऑप्शन दिया रहा था। अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था, तो अकबर का राज्याभिषेक 1556 ईस्वी में हुआ था। और देखिए SI और CI से सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन आया था, 5000 की धनराशि का 10% दर से 3 वर्ष का SI CI में अंतर क्या होगा, तो आप इसका निकाल सकते हैं SI और CI में अंतर क्या हो सकता है। दो तीन प्रश्न इससे आए थे, बहुत अच्छा क्वेश्चन बना था। सबसे पहले हाई कोर्ट कहाँ बना, तो सबसे पहले हाई कोर्ट कहाँ बना था, कोलकाता में। हमारा सबसे पहला हाई कोर्ट कहाँ था, कोलकाता में ही था, फर्स्ट हाई कोर्ट, ठीक है। और INSAT 1B
मिसाइल DRDO ने कब लॉन्च किया था, तो इनसैट DRDO मिसाइल कब लॉन्च हुआ था, इसको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। इससे DRDO से लगभग साइंस और टेक्नोलॉजी से लगभग 1 से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है, तो इसमें आप इसको देख करके जाएंगे। और अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में मृत्यु, वैसे DRDO का 1987 होगा, देखिए आप देख लीजिएगा, जो भी होगा तो आप कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हाल ही में मृत्यु हो गई वो किस चीज़ से संबंधित है, तो जिसकी मृत्यु हो गई थी, तो किसे समय तो गायन वैज्ञानिक गणित, इसमें मतलब 4 दिया था, किसका मृत्यु हुआ था, तो आप लोग बता सकते हैं किसका मृत्यु हुआ था। तो चलिए दोस्तों आगे देखिए, क्रिकेट हॉकी या रीजनिंग का वेन डायग्राम का क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें आप बता सकते हैं। देखिए दोस्तों जो भी क्वेश्चन मिला है आप लोगों को बीच में रखा जा रहा है, तो इतनी मुश्किल से क्वेश्चन मिलता है दोस्तों, आप लोग इसको फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, और लास्ट तक बने रहिए रेलवे की पल पल अपडेट के लिए। मनुष्य के बॉडी का pH मान आप लोग जानते हैं कितना होता है, 7.35 से 7.45, अगर नहीं होगा तो आप इसका मेरा पिछला वीडियो में जा करके देख सकते हो। वहाँ पे सबसे पहले ओलंपिक गेम्स एशिया में कब हुआ था, तो 1900 ईस्वी में हुआ था, कब हुआ था 1900 ईस्वी में। और हाल ही में 1900 ईस्वी में हुआ था, इसको क्वेश्चन को याद रखेंगे। हाल ही इनमें से किसे अर्जुन अवार्ड मिला, तो देखिए 4 प्रकार का ऑप्शन दिया था, उसमें आप अगर आप लोगों को मालूम होगा हाल ही में किस में दिया है, तो आप उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और तो अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, हाल ही में इनमें से किसे अर्जुन अवार्ड मिला, इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बाइल जूस पित्त रस कहाँ से निकलता है, तो आप लोगों को मालूम है यकृत लीवर से निकलता है। और यह अगर यह पूछ लेता है किस पार्ट से, लीवर के किस भाग से निकलता है, तो आप इसका आंसर देख करके जाएंगे। बायो का 1-2 प्रश्न यहाँ पे अनिवार्य है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे, फर्स्ट यंगेस्ट महिला कौन है जिनको नोबेल पुरस्कार मिला, तो आप जानते ही हैं फर्स्ट यंगेस्ट महिला कौन सी, मलाला यूसुफजई थी। साइमन कमीशन भारत कब आया, 1928 में, सबको मालूम है साइमन कमीशन कब भारत में आया था, 1928 ईस्वी में आया था। संविधान 1927 में लागू हुआ था, 1928 में आया था। संविधान में संशोधन सबसे पहले कब हुआ, 1951 में हुआ था। ये देखिए जो बेसिक चीज़ें, जो बेसिक नॉलेज है वो आपके माध्यम से पूछी जा रही हैं, तो इसको आप देख कर जाइएगा। फूलगोभी एक लिंगी है कि द्विलिंगी है, तो आप बता सकते हैं ये एक लिंगी है कि द्विलिंगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है, तो मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है, जीवाणु, विषाणु, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ए, आप इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है दोस्तों, तो फटाफट मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिए, और रेलवे की पल पल अपडेट से जुड़े रहने के लिए आप चैनल के बेल घंटी के निशान को जरूर दबाएं। आइए देखते हैं दोस्तों मैथ से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, कितने प्राप्त हुए हैं, तो आप इसमें लगभग अटेम्प्ट अच्छा करके आ सकते हैं। अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों को अनुमान लग गया होगा कि किस टाइप से हमारे एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप इसको जरूर से ज़रूर देख कर जाइएगा। देखिए दोस्तों यार, आप लोगों का एक छोटा सा कर्तव्य बनता है कि आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैथ में देखिए LCM SCF से लगभग आप लोगों को 4 क्वेश्चन प्राप्त मिल रहे हैं, हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। बॉडी मास से मैंने बताया था 2 से 3 प्रश्न पूछ रहा है। इसी प्रकार से ट्रिग्नोमेट्री से 2-3 क्वेश्चन आज के शिफ्ट में आए हैं। मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन, एरिया सर्कल से पूछा, पैरामीटर से पूछा था, ठीक है। टाइम एंड वर्क से 3 क्वेश्चन, और टाइम स्पीड डिस्टेंस से आप लोगों को 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा यहाँ पे। बोट एंड स्ट्रीम से 1 क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से 2-3 प्रश्न हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अलजेब्रा से 1 क्वेश्चन, लाभ हानि से 2 क्वेश्चन, SI CI से 3 क्वेश्चन, मीन मीडियन से 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप इसको ज़रूर देख कर जाइएगा दोस्तों। और इतना अगर आप तो टॉपिक तैयार कर लेते हैं तो आपका प्लस मैथ प्लस हो जाएगा। रीजनिंग कथन निष्कर्ष 4 क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं। सीरीज से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग से 3 क्वेश्चन, और सेटिस्फैक्शन से आप लोगों का 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और हमारे चैनल के अंत में जुड़े रहिए। अगर आप जुड़े हैं तो उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। आप इसको हमारे चैनल को से जुड़े रहें उसके लिए धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों। चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, और आगे देखते हैं। तो चलिए वीडियो के स्टार्ट में पहुँचते हैं।
ठीक है, तो फटाफट चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे देखते रहिए। आपको वीडियो के स्टार्ट में कुछ क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, उसको मैं एनालिसिस करूंगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं रेलवे की पल पल अपडेट के साथ। तो चलिए दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं इसमें रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम 2020 4 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट। तो चलिए दोस्तों, 4 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस करेंगे। इसमें 1857 की रिवॉल्ट कब दबा दिया, तो यह ऑप्शन नहीं मिला मुझे, लेकिन इसका आप लोगों को पता है 1857 का युद्ध लगभग आप लोगों को 1858 में एक साल बाद दबा दिया गया था, ठीक है, तो इसका आंसर यहीं तक होगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन में देखिए क्या इन्होंने कहा है, तो इसका 1858 हो जाएगा। अगर आप लोगों को कमेंट, अगर आंसर इसका पता होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आगे देखते हैं, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, तो आप लोगों को सभी लोगों को मालूम है सरदार सरोवर बांध कहाँ पर है, नर्मदा नदी पर है, कहाँ पर है, नर्मदा नदी पर है। और आरटीआई एक्ट कब लागू हुआ था, आरटीआई एक्ट कब लागू हुआ था, तो आप लोगों को मालूम है 2005 में लागू हुआ था। आरटीआई एक्ट कब लागू हुआ था, 2005 में लागू हुआ था। और एक देखिए पिछला क्वेश्चन आप लोगों का 28 या 29 नवंबर को एग्ज़ाम में पूछा गया था, सुकन्या समृद्धि योजना किसने लॉन्च किया है, तो उसमें कब लागू हुआ था उसमें दिया था, लेकिन किसने लॉन्च किया है, तो यह किसने लॉन्च किया है, नरेंद्र मोदी ने, किसने लॉन्च किया है, नरेंद्र मोदी में। तो जो भी योजनाएं उससे हम रिलेटेड पढ़ते चलेंगे। कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन कब हुआ, तो अभी देखिए एक पिछला क्वेश्चन आया था कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, तो इसके बारे में, लेकिन यहाँ पे बेलगांव का अधिवेशन कब हुआ, तो 1924 में हुआ था, कब हुआ था, 1924 में। तो अगर आप लोगों को क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल घंटी का निशान जरूर दबाएँ। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, ठीक है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई, तो नीति आयोग की स्थापना हुई थी 2015 में। नीति आयोग की स्थापना कब हुई, नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी। तो चलिए, गांधी सागर डैम कहाँ पर है, गांधी सागर डैम आप लोगों को मालूम है कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। गांधी सागर डैम कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। और अगला क्वेश्चन देखेंगे, URL का फुल फॉर्म क्या होता है, URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर। ये कंप्यूटर से 2-3 क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ये बहुत ही आसान, तो कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज हम देख करके ही जाएंगे। और अगला क्वेश्चन देखिए, यूनेस्को के अंडर टोटल कितने हैं, मतलब यूनेस्को में कितने अंडर टोटल नंबर्स होते हैं, तो आप लोगों को मालूम है, अगर मालूम होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन आया था पोखरण टेस्ट के ऑपरेशन का नाम क्या था, तो पोखरण के टेस्ट के ऑपरेशन का नाम क्या था, तो स्माइलिंग बुद्धा था, क्या था, स्माइलिंग बुद्धा, ये इसका आंसर है, ठीक है। तो फटाफट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे देखिए, INC का बेलगांव अधिवेशन कब हुआ, 1924। अभी देखिए पिछला क्वेश्चन आया था, इसको रिपीट कर दिया। सांची का स्तूप किसने बनवाया था, ये क्वेश्चन आप बता सकते हैं, सांची का स्तूप किसने बनवाया था, अशोका ने बनवाया था, किसने बनवाया था, अशोका ने, तो इस तरह से ऑप्शन दिया रहा था। अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था, तो अकबर का राज्याभिषेक 1556 ईस्वी में हुआ था। और देखिए SI और CI से सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन आया था, 5000 की धनराशि का 10% दर से 3 वर्ष का SI CI में अंतर क्या होगा, तो आप इसका निकाल सकते हैं, SI और CI में अंतर क्या हो सकता है। 2-3 प्रश्न इससे आए थे, बहुत अच्छा क्वेश्चन बना था। सबसे पहले हाई कोर्ट कहाँ बना, तो सबसे पहले हाई कोर्ट कहाँ बना था, कोलकाता में। हमारा सबसे पहला हाई कोर्ट कहाँ था, कोलकाता में ही था, फर्स्ट हाई कोर्ट, ठीक है। और INSAT-1B मिसाइल DRDO ने कब लॉन्च किया था, तो INSAT-DRDO मिसाइल कब लॉन्च हुआ था, इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इससे DRDO से लगभग साइंस और टेक्नोलॉजी से लगभग 1-3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है, तो इसमें आप इसको देख करके जाएंगे। और अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में मृत्यु, वैसे DRDO का 1987 होगा, देखिए आप देख लीजिएगा, जो भी होगा तो आप कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हाल ही में मृत्यु हो गई वो किस चीज़ से संबंधित है, तो जिसकी मृत्यु हो गई थी, तो किसी समय तो गायन वैज्ञानिक गणित, इसमें मतलब 4 दिया था, किसका मृत्यु हुआ था, तो आप लोग बता सकते हैं किसका मृत्यु हुआ था।
तो चलिए दोस्तों आगे देखिए, क्रिकेट हॉकी या रीजनिंग का वेन डायग्राम का क्वेश्चन पूछा गया, तो इसमें आप बता सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो भी क्वेश्चन मिला है आप लोगों को बीच में रखा जा रहा है, तो इतनी मुश्किल से क्वेश्चन मिलता है दोस्तों, आप लोग इसको फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, और लास्ट तक बने रहिए रेलवे की पल पल अपडेट के लिए। मनुष्य के बॉडी का पीएच मान आप लोग जानते हैं कितना होता है, 7.35 से 7.45। अगर नहीं होगा तो आप इसका मेरा पिछला वीडियो में जा करके देख सकते हो। वहाँ पर सबसे पहले ओलंपिक गेम्स एशिया में कब हुआ था, तो 1900 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1900 ईस्वी में। और हाल ही में 1900 ईस्वी में हुआ था। इसको क्वेश्चन को याद रखेंगे। हाल ही इनमें से किसे अर्जुन अवार्ड मिला? तो देखिए, चार प्रकार का ऑप्शन दिया था, उसमें आप अगर आप लोगों को मालूम होगा हाल ही में किसमें दिया है तो आप उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और तो अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, हाल ही में इनमें से किसे अर्जुन अवार्ड मिला, इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बाइलजूस, यानी बाइलजूस पित्त रस कहाँ से निकलता है, तो आप लोगों को मालूम है यकृत लीवर से निकलता है। और यह अगर यह पूछ लेता है किस पार्ट से, लीवर के किस भाग से निकलता है, तो आप इसका आंसर देख करके जाएंगे। बायो का एक दो प्रश्न यहाँ पे अनिवार्य है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे, फर्स्ट यंगेस्ट महिला कौन है जिनको नोबेल पुरस्कार मिला? तो आप जानते ही हैं फर्स्ट यंगेस्ट महिला कौन सी, मलाला यूसुफजई थी। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में, सबको मालूम है साइमन कमीशन कब भारत में आया था, 1928 ईस्वी में आया था। संविधान 1927 में लागू हुआ था, 1928 में आया था। संविधान में संशोधन सबसे पहले कब हुआ? 1951 में हुआ था। ये देखिए, जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बेसिक नॉलेज है, वो आपके माध्यम से पूछी जा रही हैं, तो इसको आप देख कर जाइएगा। फूल गोभी एक लिंगी है कि द्विलिंगी है, तो आप बता सकते हैं यह एक लिंगी है कि द्विलिंगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है? जीवाणु, विषाणु, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ए। आप इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो फटाफट मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, और रेलवे की पल पल अपडेट से जुड़े रहने के लिए आप चैनल के बेल घंटी के निशान को जरूर दबाएं। आइए देखते हैं दोस्तों, मैथ से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, कितने प्राप्त हुए हैं। तो आप इसमें लगभग अटेम्प्ट अच्छा करके आ सकते हैं। अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों को अनुमान लग गया होगा कि किस टाइप से हमारे एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप इसको जरूर से ज़रूर देख कर जाइएगा। देखिए दोस्तों, यार आप लोगों का एक छोटा सा कर्तव्य बनता है कि आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैथ में देखिए, एलसीएम एचसीएफ से लगभग आप लोगों को 4 क्वेश्चन प्राप्त मिल रहे हैं, हर एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। बॉडी मास से मैंने बताया था 2 से 3 प्रश्न पूछ रहा है। इसी प्रकार से ट्रिग्नोमेट्री से 2-3 क्वेश्चन आज के शिफ्ट में आए हैं। मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन, एरिया सर्कल से पूछा, पैरामीटर से पूछा था, ठीक है। टाइम एंड वर्क से 3 क्वेश्चन, और टाइम स्पीड डिस्टेंस से आप लोगों को 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा यहाँ पे। बोट एंड स्ट्रीम से 1 क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से 2-3 प्रश्न हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अलजेब्रा से 1 क्वेश्चन, लाभ हानि से 2 क्वेश्चन, SI CI से 3 क्वेश्चन, मीन मीडियन से 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप इसको ज़रूर देख कर जाइएगा दोस्तों, और इतना अगर आप तो टॉपिक तैयार कर लेते हैं तो आपका प्लस मैथ प्लस हो जाएगा। रीजनिंग कथन निष्कर्ष 4 क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं। सीरीज से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग से 3 क्वेश्चन, और सेटिस्फैक्शन से आप लोगों का 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और हमारे चैनल के अंत में जुड़े रहिए। अगर आप जुड़े हैं तो उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। आप इसको हमारे चैनल को से जुड़े रहें उसके लिए धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।